फीलिंग ऑफ जेलस, नो फीलिंग ऑफ ईगो. अहंकार नहीं कहना, ये नहीं कहना मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं, ये शरीर की जो उपलब्धि है उससे बड़ा होना ही होना है. जो आदमी कहता ना मेरे से बड़ा कोई नहीं, उससे बड़ा जरूर 100% है, वो सामने आ जाएगा. और अगर मेरे बड़ेपन से मेरे को ज़्यादा अटैचमेंट है तो वही मेरे दुख का कारण बन जाएगा जब और सामने एक और बड़ा दिखाई दे. और जब ये हो कि मेरे को इसके शरीर के बड़े छोटे होने से क्या फर्क पड़ता है, मुझे उस आनंद की प्राप्ति हो गई, सब अच्छा है, तो उस समय कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा. दैट एनर्जी रिमेन्स. उस एनर्जी को बचा के रखना, तिजोरी में छुपा के रखना, ये तुम्हारा वास्तव में धन है. इसको व्यर्थ इधर उधर कटु वचन बोल के, कटुता करके, किसी को कुछ कह करके, सुन करके व्यर्थ नहीं गवा देना. जब भगवान शिव बोलते हैं ना, पुण्य कर्म कब लगता है, जब तुम्हारे मुख से जो वाणी निकले सुनने वाले के मन को शांति मिले, खुशी मिले, पुण्य कर्म. और पाप कर्म कब लगता है, जब तुम्हारे मुख से वाणी निकले सुनने वाले के मन में क्रोध आ जाए, आत्मग्लानी की भावना आ जाए, दुख आ जाए, तो नेगेटिव कर्म. तो मेरे जितने पॉजिटिव कर्म हैं वो न्यूट्रल हो जाएंगे उसके नेगेटिव कर्म का भुगतान चुकाने में. मेरी कमाई के अंदर कुछ रहेगा नहीं, डेबिट बैलेंस बढ़ जाएगा. तेजोमय होना है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्योरिटी? द डेफिनेशन ऑफ प्योरिटी इज व्हेन आई बिकम लाइक ए चाइल्ड. दैट इज द प्योरिटी. बच्चा, दो बच्चों को ध्यान से देखो, अचानक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ, धम्मा धम तड़पड़ पिटाई चालू एक दूसरे की, छुटा दिया, छुट गए, दो मिनट बाद फिर से मित्रता हो गई, गले मिल गए, खेल रहे हैं, भूल गए 5 मिनट पहले मार पिटाई हुई थी. अब वही बड़े ले लो, मार पिटाई छोड़ो, आर्ग्यूमेंट ही लगा दो दोनों का, बरसों बरस वो नहीं बोलता, इसलिए मेरा दिल दुखाया था. वी होल्ड ऑन टू द नेगेटिविटी एंड वी प्रोसेस द नेगेटिविटी विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि उस प्रोसेस में जो नेगेटिविटी पैदा होगी वो मेरे तेज को खा जाएगी. तेज यानी कि स्वास्थ्य, संपन्नता, सफलता, प्रेम, आध्यात्मिक उन्नति. इसलिए तेजोमय होना बड़ा जरूरी है. एंड बिकम वेरी सिंपल. अहंकार को आने ही मत देना. जितने सरल हो गए, वास्तव में अहंकार किस बात का? कोई कहे धन का अहंकार है, तुम्हारा थोड़ी है. 10 मिनट पहले किसी और का था, 10 मिनट बाद तुम्हारा हो गया, कुछ समय बाद किसी और का होने वाला है. चलायमान है, रुकता नहीं है. बहुत जमीन है मेरे पास, जमीन जायदाद है. अहंकार किस बात का? तुम्हारी थोड़ी है. ना जाने कितनों की हुई वो चीज. तो वो हो जो तुम्हारी वास्तव में रहे. किसी की थी, अब तुम्हारी है, अब पता नहीं किसी और की हो जाएगी. तो क्या अहंकार करना, कोई फायदा नहीं है. वास्तव में जो तुम्हारा है, Yours is the Sat Chit Anand. तुम्हारा जो है unconditional love है. Not love. I am not saying the word love. Love can be contaminated. Love can be infatuation. Love can be impured by lust. When I say unconditional love, तो जो चीटी निकल रही है उसको देख के भी मेरे मन में उतना ही प्यार उमड़ता है जितना एक सज्जन को देख के मेरे मन में जो भाव आता है.
वास्तव में वो जो अनकंडीशनल लव की जो एक फीलिंग आ जाती है, उसके बाद तुम ही खुशी का एक सोर्स बन जाते हो। तुम्हारे भीतर ही वो आनंद पैदा होता है और उसी आनंद का तुम पान करते हो।